नेहा जी, आपका एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, एक बात समझ नहीं आई कि सीधी में जो घटना हुई है उस केस में आप पर एफआईआर भी की गई है। इस केस में हमने आपका एक ट्वीट भी देखा जिसमें आप आदिवासी पर पेशाब करने वाले आरोपी पर आरएसएस से उसको आप जोड़ रही हैं, जबकि अभी तक यह भी प्रूव नहीं हुआ कि आरोपी भाजपा से भी जुड़ा है या नहीं। आपको नहीं लगता कि इस मामले में आपने आरएसएस को बेवजह घसीट लिया? नहीं, पिछले जी मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने वो जो क्या बोलते हैं कार्टून देखा होगा, तो हाँ, उसमें आरएसएस का कोई कार्यकर्ता है या आरएसएस जैसा कुछ आपको क्या दिखा? आप बताइए। क्या है उसमें? हाँ, मुझे तो नहीं दिखा। जैसे मैं अगर आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि क्या आरएसएस के लोग जो है या फिर जो आरएसएस का कार्यकर्ता है वो इस तरीके से सिगरेट पीता है या फिर शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है या फिर हाफ पैंट वाली अगर रही बात, तो भैया हाफ पैंट तो बहुत सारे लोग पहनते हैं। ये तो वही हुआ कि भैया चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? मैंने तो आपके लिए, और कहा मैंने आरएसएस को टैग किया है कि आपको लग रहा है कि मैं आपको डिफेम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने तो ऐसा नहीं किया है। हाँ चूंकि जी, मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ, व्हाइट कलर की शर्ट है और नीचे ये जो उनकी पैंट कहिए, तो ये इस बात का संकेत है कि आप आरएसएस की मैं तरफ वही कह इशारा कर रही रहे हूँ ना हैं। कि चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात है। व्हाइट कलर की शर्ट तो हम और आप भी पहनते हैं, उस कलर का नेकर हम और आप भी पहनते हैं। अभी गर्मी है तो ज्यादातर लोग नेकर में ही सूख रहे हैं, ठीक है? तो आपको अगर क्या बोलेंगे, अब जोड़ करके उससे देखना है तो आप देखते रहिए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना, कि आप उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो मतलब आपने ये बात क्लियर कर दिया कि आपने आरएसएस पे कोई टिप्पणी नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। चूंकि मतलब लोग यही बात कर रहे हैं कि नेहा जी ने जो है वो आरएसएस पर सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर नहीं लोग नहीं नाराज नहीं नहीं हैं, और नहीं 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 मैंने आरएसएस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की और है। जो केस आपके ऊपर दर्ज किया गया है उसमें भी शायद यही आरोप लगाया गया है कि आपने आरएसएस पर टिप्पणी की है। अच्छा, नहीं मैंने आरएसएस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। बाकी केस करने वाले तो यूपी में कहा गया, तो उन्होंने केस कर दिया कि समाज में अच्छा, वैमनस्य फैला रही है और तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही है, तो केस करने के लिए कुछ तो उनके पास अपने ऐसे पॉइंट होने चाहिए ना जिसको लेकर के केस करेंगे। ये तो ये करें, तो इनका काम ये है। मेरा यूपी में काबा आया था तब भी इन्होंने केस किया था, और अभी जब एमपी में काबा आने वाला है तो काबा से जस्ट पहले ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप इसके पीछे की मंशा नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये कब तक आने वाला है आपका एमपी में काबा? बस 1-2 दिन तक इंतजार करिए, वो प्रोसेस में है, मैं उसको लिख रही हूँ, बस 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, फिर मैं रिलीज कर। तो जैसा कि आपने तस्वीर भी जारी की है, तो क्या ये वाला जो गाना है एमपी में काबा, ये बिल्कुल सीधी पेशाब कांड पे मतलब केंद्रित रहेगा, ऐसा हम समझें? नहीं, सिर्फ सीधी पेशाब कांड ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे एमपी में चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि कम से कम इलेक्शन बोलना ही चाहिए। मैं उन सारे मुद्दों को क्रिएट करूंगी, बाकी तो वो सारी चीजें आप गीत में ही सुन पाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपके ऊपर पहले से बिहार में भी केस है, यूपी में भी केस है, अब एमपी में भी हो गया, तो मतलब मैं भी ये जानना चाहता हूँ और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि नेहा जी मैनेज कैसे करती हैं, सुनवाई यहाँ होती होगी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती होगी आपको। नहीं देखिए, भागदौड़ तो बिल्कुल रहती ही है, और ये लोग तो चाहते ही हैं कि भागदौड़ लगी रहे, परेशान होती रहे, ताकि ये कुछ क्रिएटिव ना कर सके। इनका क्या बोलते हैं, उद्देश्य ही यही है कि आपको परेशान कर देंगे, कोर्ट कचहरी का आप चक्कर लगाते रह जाओगे, फिर आप क्रिएटिव काम नहीं कर पाओगे, आपको मुद्दे से भटकाना। बाकी मैनेज कर लेती हूँ यार, मैनेज कर लेती हूँ। अब इसमें मैं क्या बोलूंगी, कैसे मैनेज करती हूँ, आधे परेशान तो होता ही है, एकदम सही बात है। अब आपके ऊपर केस, अब मैं आज गाँव में थी, मैं तो गांव में आई हुई थी कि भैया हाँ जा रही हूँ माई से मिलने, गांव देखने घूमने, लेकिन अभी मुझे वापस जाना पड़ रहा है लखनऊ, तो ये चीजें तो होती ही है कि हाँ भैया परेशानी तो मानसिक आती ही है। मानसिक थकान और आर्थिक नुकसान दोनों ही होता होगा। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान का भी डर बना रहता है। आपको पता है मुझे कॉल आ रहे हैं कि तुम होती कौन हो, इसके खिलाफ बोलने वाली, गाली गलौज टाइप की भी चीजें। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मेरे को एक कॉल आता है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसको मैं हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ, पर इतना समझिए कि उधर ही के साइड से मुझे कॉल आती है कि तुम्हारे फिर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, तुम ये कर रही हो, और फिर माँ बहन की गालियां देना। तो होता है, डर बना रहता है कि कहीं कोई मुझे उस तरीके से परेशान ना करे, तो होता है। मैं
बिल्कुल होता रहता है। ये बात मैं आपकी समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कई इंटरव्यू लिए हैं, तो कई कॉल मुझे भी आते हैं, धमकी भरे कॉल कि आपने फला आदमी का इंटरव्यू क्यों किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितने कॉल आते होंगे। एक मामला आजकल बड़ा वायरल है, SDM ज्योति मौर्य का मामला चल रहा है। तमाम लोग ज्योति मौर्य को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ज्योति गलत हैं, बेवफा हैं, तमाम 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 तरह की बातें कही जा रही है। चंद क्या, अधिकतर लोग मतलब 90% लोग उनको गलत ही बता रहे हैं, लेकिन चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें अपनी अलग राय रखते हैं, उसमें से एक आप भी हैं। आपने आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए मैं कोई जज तो हूँ नहीं कि मैं ये फैसला कर दूँ कि ज्योति गलत है, चाहे आलोक मौर्य गलत है या मनीष दुबे गलत है। मैं कोई जज तो हूँ नहीं कि मैं ये करके भेज दूँ, लेकिन एक चीज जो मैं समझती हूँ कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जिनकी जो पति पत्नी है, अगर उनकी मैं बात करूँ तो सबसे पहली गलती जो मुझे लगती है या सबसे पहली जो शुरुआत लगती है वो आलोक मौर्य की तरफ से की गई है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं अब सफाई करके हो। मुझे लगता है ना किसने जी की लड़की ना गरीबी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन पति का छल नहीं बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो ज्योति मौर्या ने कहीं ना कहीं समझौता करके रहना शुरू किया होगा, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था, उसे तो सपने सजाए थे कि भैया हमारी शादी एक ग्राम विकास अधिकारी से हो रही है। पता चला कि दूसरे दिन उसका पति जो है वो एक झाड़ू लगाता है, सफाई करनी है, तो सपने तो उसके उसके टूटे ना। उसकी मजबूरी ये है कि वो नैहर इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि नैहर वाले खेत भी गार्बेज को दिया किए हैं, और हम लोगों की जब शादी होती है तो माई बाबू लोग यही बता के भेजते हैं कि बच्चिया ससुरा में कोई दिक्कत हुई सबको मैनेज कर लिया, तो गाँव घर का इज्जत रख लिया, परिवार का इज्जत रख लिया। मैं देखिए डिफेंड नहीं कर रही हूँ ज्योति मौर्या को, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उनके ऊपर इस तरह के दबाव जरूर रहे होंगे और उनको मजबूरी में रहना पड़ा होगा। और क्या बोलते हैं कि उनके साथ जो चीटिंग हुई, मुझे लगता है कि वो भुला नहीं पाई। लेकिन लेकिन नया जी आपको लगता है उनको पहले अपने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि जब उन्होंने PCS का एग्जाम निकाल लिया था तब उन्होंने अपने पति को, अपने ससुर को, पूरे ससुराल वालों को इसका श्रेय दिया था कि इन्हीं की बदौलत आज मैं PCS निकाल पाई हूँ और अच्छा रैंक मुझे मिला है। बिल्कुल। एक चीज और जो मुझे लगता है, जो मुझे गलती की बात रही कि कितनी गलती, तो मैं समझती हूँ पहली गलती जो है आलोक मौर्या की थी जिन्होंने झूठ बोला, और हाँ कह सकते हैं दूसरी गलती ज्योति मौर्या ने ये की कि बिना डाइवोर्स हुए, बिना जो है शादी का विच्छेद हुए उन्होंने जो है अफेयर वगैरह सारी चीजें हुई, तो ठीक है मतलब होता है अफेयर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हाँ भैया डाइवोर्स वगैरह हो गया रहता इसके बाद ये सारी चीजें होती तो बहुत ऐसी बात नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक और बात कहूंगी कि ज्योति मौर्य का जो अफेयर है वो किसी आदमी के साथ ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम मनीष दुबे है। तो भैया जितनी छीछा लेदर हो रही है ज्योति मौर्य की, एक भी मीडिया के लोग चाहे आप भी जाकर के क्यों नहीं मनीष दुबे का इंटरव्यू कर रहे हैं या मनीष दुबे का नाम चर्चा में क्यों नहीं है। मनीष दुबे भी तो किसी लड़की को चीट कर रहे हैं, वो भी तो अपनी पत्नी को चीट कर रहे हैं, वो भी शादीशुदा है, तो सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या बोलते हैं लड़कियां ज्यादा जो है ना, वो जो लड़कियां महिलाएं टारगेट होती है कि हाँ भैया समाज में जो कमजोर है वही टारगेट होगा, जो कमजोर है वो दबाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं ये बक्सर बक्सर में अभी एक जो मैं न्यूज वगैरह में सारी चीजें चल रही थी, मैंने देखा कि मैंने उस महिला का इंटरव्यू भी देखा कि उसके पति ने कहीं पटना वटना तैयारी करा रहा था या इलाहाबाद, वहां से वापस बुला लिया कि नहीं भाई तुम भी ज्योति मौर्य हो जाओगी। हाँ। ये तरीका बड़ा गलत है कि भाई सब लोग ज्योति मौर्य हो जाओगे तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये आप समाज में किस तरीके का मैसेज कन्वे कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा भैया समझदार बनिए, पढ़िए लिखिए, और ये ह्यूमन नेचर होता है, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की ही किसी लड़के को धोखा दे सकती है, और कई पुरुष भी सफल होने के बाद धोखा देते हैं, ठीक है। उनकी तो कोई चर्चा करता ही नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। मैं कह तो रही हूँ कि दबाया उसी को जाता है जो कमजोर होता है। तो हमारा जो ये पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को बहुत पहले से ही डोमिनेट करते आया है, आज भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है नया जी, हम वापस सीधे कांड पे चलते हैं। उस केस में अब आपका आपकी आप अपने तरफ से आगे क्या करने वाली हैं? देखिए मैं जो है मेरे को अभी किसी पुलिस वगैरह की कॉल नहीं आई है या फिर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जैसे इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर मैं देखती हूँ कि बहुत मुझे जानकारी तो है नहीं कि करना क्या चाहिए, तो मैं किसी वकील से बात करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है, क्या है केस के अंदर, क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या सारी चीजें हैं, तो मैं किसी वकील से बात करूंगी। अच्छा, चूंकि मेरी बातचीत आपसे होती रहती है तो लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि नेहा जी हमेशा उसी मामले में बयान क्यों देती हैं जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, और वो खुद को एज अ मतलब कि चाहती हैं कि मैं कंट्रोवर्सी में आऊं और मैं चर्चाओं में बनी रहूं। मैं उस मामले पे बयान नहीं देती हूँ जिस मामले पे कंट्रोवर्सी होती है, बल्कि मेरे बयान के बाद जान बूझ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं, अब यूपी में काबा में गा रही हूँ तो ये तो कोई कंट्रोवर्शियल मामला था नहीं, मैं तो काबा अपना गाना गा रही थी। अब आप मुझे नोटिस भेज रहे हो, आप मुझे परेशान कर रहे हो, तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे बयान के बाद आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, करीब 3-4 महीने हो गए यूपी में काबा में जब आपको नोटिस मिला था, उसके बाद से अब इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या मामला कितना आगे बढ़ा है? कुछ भी नहीं हुआ, वो अवैध नोटिस था, वो मुझे डराने धमकाने के लिए नोटिस दिया गया था। कारचू सर का नाम आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं, वो पता है वो ये अभी भी फोन करते हैं हम या हम उनको करते हैं तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि दरोगा अनपढ़ था क्या कि तुमको देने आ गया था नोटिस, इस तरह की चीजें, तो वो मुझे बस डराने धमकाने के लिए दिया गया था। बाकी मतलब आपके साथ भी अच्छे कानूनी जानकार लोग हैं? हाँ, मतलब अब इस तरीके की चीजें होगी तो रखना पड़ेगा ना वैसे लोगों से संपर्क जो थोड़ा कानून और इसकी जानकारी रखते हो। ठीक है, तो लगातार आप जैसे बता रहे हैं कि आपको धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं और तमाम तरह की चीजें भी आपको, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश भी होती रही है, तो क्या लगता है कि नेहा सिंह राठौर कब रुकेंगी या फिर एकदम ऐसी बेबाक रहेंगी? कभी नहीं रुकेंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी। नेहा सिंह राठौर न रुकी थी, न रुकी है, न रुकेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी बातचीत करने के लिए आपको, एबीपी लाइव से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।